बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज है बारात का फंक्शन, तो हम रेडी हो चुके हैं, तो चलिए फिर चलते हैं और आपको दिखाते हैं सारा बारात का फंक्शन। बारात निकल चुकी है और हमें जाना है पास वाले गांव में ही। और दो रास्ते हैं वहां जाने के, एक चढ़ाई वाला था और एक ये शॉर्टकट रास्ता है, तो हमने अपना लिया ये शॉर्टकट रास्ता। बट ये भी हमें सात समुंदर पार लग रहा है, मतलब थक रहे हैं चल चल के। और ये देखिए गर्मी से बुरा हाल हो रहा है हमारा। ये है हमारी ब्यूटीफुल सी लड़कियाँ, तो इनसे पूछते हैं इनको कैसा लग रहा है। मैं तो बार बार रेस्ट कर रही हूँ। और ये देखिए इस रूट से हम आए थे और आगे हमें इस रूट पे जाना है ऊपर मेन रोड में। तो हम सब पहुँच चुके हैं मेन रोड में, तो अब हम सब इकट्ठे होके आगे बढ़ेंगे और अब स्टार्ट होगा असली ढोल धमाका। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। गाइज ऐसे ही होती है पहाड़ों की शादी, और हम फुल टू इंजॉय कर रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि हम शादी के साथ साथ एक एडवेंचर कर रहे हैं। मतलब ऐसे ट्रैकिंग कर रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं और इस नेचर का पूरा आनंद ले रहे हैं हम लोग। और इस नेचर के रिलेटेड मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी ही कम है, लव्स कम पड़ जाएंगे, मगर मतलब अल्फाज नहीं है मेरे पास। और बातें करते करते हम अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़े, और यहाँ से लगेंगे हमें 10 मिनट्स दुल्हन के घर तक। और यहाँ पे एक शॉप थी और सब लोगों ने यहाँ से कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ली जितने भी हम बराती थे, और इस दुकान वाले की तो चांदी चांदी हो गई गाइस। आ रही हूँ। और ये है मेरी सुंदर सी कजन्स, ये सभी मेरी कजन्स हैं और ये आज लग रही हैं एक से बढ़कर एक। इनकी ब्यूटी भी नेचर की तरह है गाइस, जिसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती, मतलब जकास लग रही हैं सभी। तो अब मैं भी नीचे चलती हूँ
और ये देखिए यहाँ से एक ओर से मक्खियाँ हैं और एक ओर से सेबों के पेड़ हैं, और यहाँ का रूट जो है वो बहुत ही नैरो है गाइस। और हमने तोड़ लिए सेब पेड़ से क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी मेरे को, और हम फाइनली पहुँच चुके हैं दुल्हन के घर में। गर्मी इतनी थी कि मैंने जल्दी से पी ली ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक, और अब मैं आपको लेके चलती हूँ दुल्हन के पास। तो चलिए फिर जल्दी से। तो यहाँ पे चल रहा है एक और रिचुअल जिसमें दुल्हा जो है उसको पूजा करनी पड़ती है दरवाजे में, घर के अंदर जाने से पहले दुल्हन के। शादी भी स्टार्ट हो गई है और मैं और मेरी कज़न्स चले गए डायरेक्ट लंच करने, क्योंकि हमने नाश्ता भी नहीं किया था और अभी तक हमारे पेट में जो है चूहे कूद रहे थे। हम डायरेक्ट सुबह बारात के साथ आ गए थे, तो इसलिए हम कर रहे हैं अभी लंच और हम इंजॉय कर रहे हैं राजमा चावल पनीर मिक्स वेज और सैलड्स, और बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आया हमें खाने में। तो लंच वगैरह करके अब हम नीचे आ गए हैं, सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और शादी इंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ पे चल रहे हैं फेरे। बस अब थोड़ा ही टाइम लगेगा शादी ख़त्म होने में। और देखिए गाइज हमारी मेहंदी का कलर कितना प्यारा आया सबका। हम लोग वापस से पहुंच गए अपने घर दुल्हन को लेके। सॉरी मैं डोली का कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि मैं डोली से पहले ही वापस आ गई घर। और अभी यहाँ पे चल रहे हैं दुल्हन आने के बाद के रिचुअल्स।
चुके हैं और यहाँ पे दुल्हे की साइड का कोई भी एक बंदा जो है दुल्हन के साथ मित्री करता है और इनके जो ये कलीरे होते हैं ये खोलते हैं और जो दुल्हन है वो उनको अपना भाई बना लेती हैं। दूसरी साइड से दुल्हे के साथ भी किसी को मित्री करनी पड़ती है और मतलब एक रिश्ता जैसा बन जाता है इन दोनों के बीच में। और फिर इनका ये सहरा वगैरह उतारते हैं दुल्हे का, जयमाला भी और हार वगैरह भी। और अब यहाँ पे एक और रिचुअल चल रहा है जो होता है भाभी और देवरों के बीच में। यहाँ पे देवर जो हैं वो भाभी की गोद में आके बैठ जाते हैं और वो तब तक नहीं उठते हैं जब तक कि भाभी उन्हें कोई नेक या शगुन ना दे दे। इस रिचुअल के बाद सभी लोग एक एक करके दुल्हन को शगुन देते हैं जिसको भद्रवाही भाषा में सुई बोला जाता है और आशीर्वाद भी देते हैं दुल्हन को और जिसको ठल देना भी बोलते हैं भद्रवाही भाषा में। और इसमें वो दुल्हन को मतलब वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद देते हैं।